वाराणसी से नई दिल्ली तक बनाए जाने वाले हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के लिराड तकनीक को हरी झंडी मिलने के बाद अयोध्या, मथुरा और प्रयागराज को भी हाई स्पीड रेल कनेक्टिविटी से जोड़ने की तैयारी है। इसके लिए लिराड तकनीक को हरी झंडी दे दी गई है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि वाराणसी से अयोध्या मार्ग से बुलेट ट्रेन को जल्द ही मंजूरी मिल सकेगी। वाराणसी के बाबतपुर नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड की ओर से जारी जानकारी के अनुसार दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए ग्राउंड स्तर पर भारतीय रेलवे एक हेलीकॉप्टर के जरिए लेजर युक्त उपकरणों के साथ लिडार तकनीक के माध्यम से सर्वे करेगा। लिडार तकनीक का उपयोग करने के साथ ही उपलब्ध कराए गए आंकड़ों का उपयोग भी किया जाएगा, जिसमें सड़क, भूतल, परिवहन, नहरों और भूस्खलन के साथ ही नगर योजना और सिंचाई से संबंधित परियोजनाओं में भी उपयोग किया जा सकता है। हाई स्पीड कॉरिडोर का दिल्ली अहमदाबाद परियोजना में सफलतापूर्वक इस्तेमाल करने के बाद इसका प्रयोग अब दिल्ली वाराणसी रूट पर भी होने जा रहा है। इसके माध्यम से उच्च गुणवत्ता वाले डेटा कम समय में ही डिजिटल रूप में तैयार किए जा सकते हैं। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।